दोस्तों हम बात करेंगे नायका के स्टॉक के बारे में। नायका के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके वजह से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में फिलहाल जो स्टॉक है ये लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पर अब स्टॉक यहाँ पर अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक है 1.42% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अब स्टॉक की बात करें तो यहाँ से हमारे पास अभी स्टॉक है 137.25 का जो लेवल है ये एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में बड़ी बड़ी तेज़ी एक बड़ी बैंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 144, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 152, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 162, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 176 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 131 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 127, अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 123 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।